ऋषि के आश्रम में कृष्ण वहां पर गुरु दक्षिणा के लिए अपने गुरु संदीप ऋषि से कहा, तो संदीप ऋषि ने मना किया, परंतु कृष्ण कहते कि भगवान बिना दक्षिणा दिए मेरी विद्या सफल नहीं होगी, आप कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो वहां पर गुरु माता ने कहा कि हे कृष्ण, मेरा पुत्र समुद्र के अंदर डूब गया, उसकी मेरा पुत्र का गया था स्नान करने, वापस तक आया नहीं, अब मुझे गुरु दक्षिणा कुछ देना चाहते हैं तो पुत्र दे। भगवान कृष्ण और बलदेव गए वहां समुद्र के अंदर, तो वहां पर गुरु पुत्र मिला नहीं, वहां पांचजनी नामक राक्षस था, उसका वध किया और पांचजनी शंख लेकर के भगवान शिव यमपुरी में गए। यमपुरी में जब यमराज को धर्मराज को पता चला कृष्ण श्रीहरि आए हैं, भगवान की पूजा की अर्चना की, का भगवान आने का उद्देश्य कि मेरे गुरु पुत्र यहाँ आपके यहाँ हैं, आप उन्हें प्रदान करें। तो वहां पर धर्मराज ने श्री कृष्ण के गुरु पुत्र को प्रदान किया, कृष्ण गुरु पुत्र को लेकर के आए। इस तरह से गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु पुत्र प्रदान करके कृष्ण अपने वापस मथुरा आए। तो श्री कृष्ण ध्यान देना 11 साल तक गोकुल में लीला की, वृंदावन और गोकुल में 11 साल लीला की, मथुरा में 14 साल, मथुरा में कितना 14 साल, और द्वारका में 100 साल, ये 125 साल तक श्री कृष्ण यहाँ धरा धरती पर रहे। श्री कृष्ण 125 साल तक यहाँ पर रहे, 11 साल तक गोकुल वृंदावन और मथुरा में 14 साल और 100 साल द्वारका में, इस तरह से 125 साल तक यहाँ पर श्री कृष्ण ने यहाँ पर धरा धरती पर अपने लीला की। भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में विद्या पूर्ण करके मथुरा आए। मथुरा आने के बाद में भगवान कृष्ण दिन भर को मथुरा के राजकार्य में व्यस्त रहते थे, बिल्कुल व्यस्त रहते थे, और जब शाम होती तो कृष्ण अपने भवन के मेड़ी पर चढ़ते, मेड़ी पर ऊपर जाते और गोकुल और वृंदावन की तरफ देख करके गोकुल और वृंदावन के गोप बालों को, गोपियों को, अपनी माँ यशोदा को, नंद बाबा को, प्रिय सखियों को, सबको स्मरण करके उनका दिल भर पाता। एक दिन का नहीं, रोज प्रतिदिन का ऐसा उनका एक नियम बन गया था। भगवान श्री कृष्ण का एक सखा था उर्धव, अंतरंग सखा था, अंतरंग सखा भगवान श्री कृष्ण के पूरे कक्ष में उनकी उपस्थिति रहती थी, जहां कृष्ण वहां उर्धव उपस्थित रहता था, उसको बोलते अंतरंग सखा। कृष्ण का अंतरंग सखा था उर्धव, सेवा में था वो, जो सेवा उर्धव को मिली और किसी को नहीं मिलती। तो उर्धव वहां पर कृष्ण के इसी ऐसी दशा देखकर के उर्धव वहां पर बड़ा आश्चर्य पड़ गया कि श्री कृष्ण मथुरा के अधिपति हैं, मथुराधिपति है, इनको ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सी पीड़ा है जो इनको इस तरह से उनका हृदय भरा भरा आता है। कई बार वे अपने इस बात को पूछना चाहते थे उर्धव, पर तो पूछ नहीं पाया। यहां तक कि ऐसी दशा हो गई कृष्ण की कि जब वो सोते थे कृष्ण और उर्धव वहां पर उनकी सेवा करता, तो उनके श्री कृष्ण के मुख से राधे 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 शब्द उच्चर। कृष्ण उर्धव ने देखा ये कौन है राधे जो श्री कृष्ण के हृदय पटल पर बैठी है और कृष्ण के निंद्रा अवस्था में भी वहां पर उनके राधे राधे शब्द यहां पर कृष्ण निकल रहे हैं। यहां तक कि कृष्ण भोजन करते थे वहां माता देवकी ने खूब, उसने भी प्रयास किया, कृष्ण भोजन करने बैठते और जी ग्रास फोड़ते थे, क्या कहे आपको, उनको अपनी मैया यशोदा याद आ जाती, उनका दिल भर आता, एक दो ग्रास लेते और बस भोजन हो गया और उठ जाते। अरे कृष्ण भोजन की देख, पर नहीं, इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं, उठ जाते।
एक बार भी अनेकों बार उर्दू ने ऐसा देखा। एक बार देव की माता ने देखा कि मैं ये नौकर आदि सेवक भोजन बनाते हैं, मैं स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाऊं, मेरे लल्ला प्रसन्न होगा, लल्ला को रुचेगा। परंतु मैया ने स्वयं ने यत्न किया, अपने हाथों से भोजन बनाया, छप्पन प्रकार के भोज क्या थे बनाए, परंतु कृष्ण वही दशा जो ही भोजन करते। भोजन तो छप्पन भोग थे, परंतु वो सौभाग्य नहीं था जो मारी यशोदा के जैसे। एक दिन कृष्ण वही संध्या के समय अपनी मेड़ी पर अपनी वृंदावन को, प्रेम भूमि को, अपनी रासलीला को, अपने क्रीड़ा स्थल को, गोप बालों के साथ गाय चराते समय जो जो वे लीलाएं करते थे, जो उनके सके उनके लिए क्या क्या नहीं करते थे, उनकी अपने घर से अच्छी वस्तु उनकी सेवा के लिए, उनके भोजन के लिए लाते थे और बड़े चाव से रहते थे। ध्यान देना भाई, उन सब बातों को स्मरण करके नंद बाबा और यशोदा जब तक लल्ला घर नहीं आता, भोजन नहीं करता, तब तक एक ग्रास तक वे नहीं लेते थे अपनी। अरे चलो, ये तो गोप और माँ यशोदा और नंद बाबा, यहाँ तक कि गंगाए थी, वो जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं करती, जब तक वो भी पानी तक नहीं पीती और घास का तिनका तक नहीं तोड़ती, गोपियों का तो प्रतिदिन उनका नित्य नेम था कि कृष्ण का जब तक दर्शन ये कई प्रकार से नहीं होता, तब तक उनको चित्त में चैन नहीं थी, शांति नहीं थी। कृष्ण उन सब प्रसंगों को स्मरण करके अपने प्रिय राधा को, सखियों को स्मरण करके आंसू की धारा बह रही थी। उर्दू ने बड़ी हिम्मत करके उस दिन वो मेड़ी पर चढ़ गया और जाकर के कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्ण देखारी उर्दू आए, तुरंत अपने आंसुओं को रोक करके, वीर के आंसू को रोक करके, अरे उर्दू आई जी, आई आई उर्दू जी, आई उर्दू जी आई। कृष्ण ने उर्दू ने कृष्ण को हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान, बहुत समय से मैं देख रहा हूं आपकी व्यथा देखी नहीं जा रही, ऐसा कौन सा दुख है जो आपको इस तरह से रुला रहा है, आपको पीड़ित कर रहा है, आपकी ऐसी भगवान बताइए क्या कमी है इस मथुरा के ऐश्वर्य में, क्या कोई सेवा में कमी है, आप मथुराधिपति है, आपकी सेवा के लिए सैकड़ों नहीं हजारों हजारों तरस रहे कि कृष्ण की सेवा मुझे मिले, भगवान कोई सेवा में कोई त्रुटि हुई हो तो भगवान बताइए। कृष्ण ने उर्दू से कहा, हे उर्दू, इस मथुरा के अंदर तेरे अलावा और कोई मेरी दुख को पूछने वाला नहीं है। ध्यान देना भाई, मथुरा के अंदर ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, परंतु उस कृष्ण के दुख को, पीड़ा को पूछने वाला केवल एक उर्दू मिला। और कृष्ण ने कहा, हे उर्दू, एकमात्र तुम हो जो मेरे इस पीड़ा को तुमने पूछा। भगवान कृष्ण ने सारी वृंदावन की, गोकुल की सारी प्रश्न को रखा। उर्दू कहता है, भगवान अब तो आप मथुराधिपति हैं, अब आप उनको भूल जाइए। क्या कहता है, आप मथुराधिपति हैं, आप उनको भूल जाइए, जब इस तरह से कहा कि आप ब्रज को विसर जाइए, आप मथुराधिपति हैं, तो वहां पर कृष्ण कहते हैं, उर्दो मोहि व्रज विशरत नाही, उर्दो व्रज विशरत नाही, उर्दो मोहि व्रज विशरत नाही। ये उर्दो व्रज को विसरने के लिए कह रहा है, हैं? अरे वो व्रज है जिस व्रज की, व्रज भूमि की महिमा कोई लेखनी से नहीं लिखी जा सकती। वहां पर पूरे पृथ्वी के वृक्षों की लेखनी बनाते तो भी कम हो। उर्दू मोहि व्रज विसरत नाही,
उर्दो मोहि व्रज विशेरते नाई उर्दो मोहि व्रज विशेरते नाई उर्दो मोहि व्रज विशेरते नाई उर्दो नहीं जा सकता उनको मैं नहीं पूछ सकता उर्दव। अरे वृंदावन गोकुल वन उपवन
वृंदावन है, हैं गोकुल है, वहां का जो वन है उपवन है, अरे सगन कुंज की छाई, जो सगन कुंज की छाई होता वो कहाँ है, मथुरा में है। तो मुझे वृंदावन विसरने को कह रहे हो? हे उद्धव बात नहीं सुन, प्रातः समय मात जसुमती, जब मैं नहीं उठता उससे पहले मेरी माया, मेरी मैया, हाँ जरूर माँ देव की माँ ने जन्म दिया है, परंतु जो माँ जो मैया है ना वो तो यशुमती है। प्रातः समय जब मैं नहीं उठता उससे पहले मेरी मैया उठ जाती थी, और उठ करके मेरे लिए वो जसुमती नंद देखे तो सुख पावत, जब तक वे मुझे नहीं देखते जब तक उनको सुख नहीं मिलता था, उनको चैन नहीं मिलती थी। और यहाँ पर कौन है, सब अपनी अपनी मस्ती में है, किसी को कोई नहीं पड़ी है। अरे मेरी मैया माखन रोटी दही सजेगा, मेरे उठने से पहले वहां पर माखन रोटी दही सब सजा करके मेरे लिए रखती, और जब तक मैं उठता मेरे पहले से तैयार है। अति हित सात खवावत, मेरे को साथ में लेकर के अपनी गोदी में लेकर के बैठा करके वो खिलाती थी। अरे उर्दो मोहि ब्रज विसरत नाई। रही बात दूसरी, वृंदावन और गोकुल के जो गाये हैं ग्वाल हैं, उन संग बाल के संग खेलत, उन सब सबके साथ में दिन भर हम खेलते खूब खूब, वहां पर बाल कीड़े करते हैं, सब दिन हसत शिरात, सब दिन वहां पर हंसते नाट्य मथुरा में कोई है मोटो थोपड़ो की तोड़ है दिन बैठर कौम रमान कौम कौम कौम, वो कहां है समय? आप उनको उर्दू भूल रहे हो, उनको भूलने के लिए कह गो ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत शिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी। हे सूरदास जी कहते कि वो ब्रजवासी धन्य हैं, जिनसो हित जदुता, जिनके हिते सिंह यदुनाथ जगतनाथ है। इस तरह से भगवान कृष्ण तो उर्दू कहता है भगवान ऐसा है कि आप यदि इस तरह से नहीं बोल सकते तो आप ऐसा करो ना, ज्यादा याद आपको आती है तो आप एक संदेश भेज दो, आपको गोपियों की याद आती है, माँ यशोदा की याद आती है, अपने गोप वालों की याद आती है, तो आप पत्र व्यवहार करें ना, तो पत्र व्यवहार से अपने को कुछ शांति मिल जाएगी दिल को। भगवान कृष्ण कहते हैं उर्दव तुम मुझे पत्र लिखने को कह रहे हो? हे उर्दव जो अंदर का जो भाव है ना, जो गोपियों के साथ में मेरे गोप वालों के साथ में माँ यशोदा, उर्दो प्रेम को संदेश उर्दो पाती ना पठाए, जो प्रेम का संदेश है उर्दो वो पत्र के अंदर नहीं लिखा, पत्र में कुछ शब्दों की सीमा होती है, कोई शब्दों की वहां पर मर्यादा होती है। उर्दो प्रेम को संदेश उर्दो पाती ना पठाए, प्रेम का जो संदेश है वो पाती के अंदर प्रेम के अंदर वह नहीं पढ़ाया पत्थर में सब कुछ कैसे लिखा जा सकता है? उर्दू पत्र में लिखते समय बहुत सारी मर्यादाएं बाधक हो जाती है। उर्दू को भगवान कृष्ण कहते कि एक बार नहीं, उर्दू मैंने कई बार प्रयास किया पत्र लिखने का, तो जो कहता ना ये सब मैं प्रयास किया, जो ही मैं कागज लेता और लेखनी लेता उनसे पहले जो ही मैं मैया शब्द याद करता माँ यशोमती, तो मेरा दिल भर आता और इतने आंसू पड़ते मैया को स्मरण करते हुए कि सारे वहां पर कागज सब गल करके खत्म हो जाता, वहां स्याही स्याही नहीं रहती, क्या लिखूं मैं संदेश उर्दू। जब इस तरह से चर्चा करते करते बहन भगवान कृष्ण कहते उर्दू तू वंदा बन जा, उर्दो इतनो कहो जाए हम आवेगे दो भैया मैया जनी पकुला, कि तुम जाकर के वहां माँ यशोदा को नंद बाबा को कहो कि हम आएंगे, मेरी गोपियों को जाकर के सांत्वना दो। तो उर्दो कहता है कि भगवान वे अनपढ़ है गोपियां, कोई है वे अनपढ़ है, वे कीवार है, वे उठे ज्ञान की बात का ही समझे वेदांतरी, जब वहां पर इस तरह से अनपढ़ कहा तो कृष्ण को बहुत बुरा लगा। कृष्ण ने कहा उर्दू तो जाओ तो सही, तुम जाओ तो सही वहां,
कृष्ण के कहने पर सारी रात उद्धव और कृष्ण के बीच में चर्चा चलती रही वहां मेढ़ी पर। प्रातः काल हुआ, कृष्ण ने कहा तो जाना ही पड़ेगा। कृष्ण का अंतर में उद्धव का रथ तैयार हुआ, उद्धव रथ में बैठा, कृष्ण भगवान वहां पर उद्धव को विदा करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव को, हे उद्धव तुम जा रहे हो मेरा संदेश लेकर के, तो मेरी गोपियां मेरे पर पुरुष से बात नहीं करती, इसलिए ले ये मेरी पीतांबर, ये मेरी गले की वैजंती माला, ये तुम धारण करना, मेरी पीतांबर पहनना, तब जाकर के मेरी प्रिय गोपियां भी तुमसे कुछ दो शब्द बात कर पाएंगी, बाकी वो किसी पर पुरुष से बात तक नहीं करती। भगवान ने अपनी चिन्ह वैजंती माला और पीतांबर दी उद्धव को, और उद्धव रथ में बैठता है। उद्धव जो रथ हाँकता है तो वहां पर कृष्ण उद्धव के रथ के पीछे चलते हैं, भागते हैं और उद्धव को कहते हैं, उद्धव मेरी मैया को प्रणाम करना, नंद बाबा को मेरा प्रणाम करना, मेरे संदेश मेरे गोप बालों को देना, प्रिय गोपियों को देना, सबका संदेश देते। और कृष्ण भगवान इतने व्याकुल हो जाते हैं कि उनके आंसुओं की धारा बह जाती है संदेश देते देते। और उद्धव का रथ, उद्धव कहता है भगवान आप मथुराधिपति है, मैं रथ में बैठा हूँ और आप पीछे पागलों की तरह नंगे पांव भाग रहे हैं, ध्यान देना जिस तरह से गोपियां, श्री कृष्ण जब अक्रूर जी के रथ में आए थे गोपियां जैसे अपने देह का भान भूल करके जैसे वहां पीछे भागी थी, इसी तरह से कृष्ण भी आज उद्धव के रथ के पीछे भाग रहे हैं। और उद्धव कारण उद्धव कहता है भगवान आप मथुराधिपति है, आपका इस तरह से व्यवहार ठीक नहीं। इतने में देखते देखते उद्धव का रथ जब ओझल हो जाता है, कृष्ण वहां पर संदेश सुनाते सुनाते कृष्ण मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। जो रास्ता मथुरा से वृंदावन जा रहा है उस रास्ते के अंदर कृष्ण मूर्छित होकर के गिर गए। ध्यान देना वहां पर तो गोपियां एक दूसरे को संभालने वाली थी, परंतु यहाँ पर कृष्ण को कोई संभालने वाला नहीं, जो मूर्छित होकर के गिरे सो गिरे, यहां पर कोई देखने वाला तक नहीं देख दिए। ये कृष्ण की दशा है वहां पर अपने प्रेम के विरह के अंदर, गोपियों के और गोप बालों के, मां यशोदा और अपनी गर्भों के विरह की दशा है कृष्ण की। उद्धव जाता है, इधर ध्यान देना कृष्ण ने अपने गोप सखों से कहा था कि मैं आऊंगा, तो गोप बाल भी रोज प्रतिदिन आते, घर से आते और मथुरा की तरफ से जो रास्ता आता है वहां आकर के सब ऊंचे नीचे बैठते कि कृष्ण ने कहा है, कन्हैया ने कहा है कि मैं आऊंगा तो वो जरूर आएंगे। दिन भर कृष्ण के बारे में वे इंतजार करते हैं, कन्हैया आएगा कन्हैया आएगा, और शाम होती है तो जब नहीं आते बड़ी उदास होकर के सब गोपाल वापस चले जाते हैं। मन में बड़ा उनको दुख होता है, हृदय भरा था कि आज भी कन्हैया नहीं आया, अपने कन्हैया ने सखाने कहा था कि मैं आऊंगा पर तू नहीं आ पाया। जब उद्धव जी वहां पर आते हैं रथ आते देख करके, वहां पर गोपाल अरे कन्हैया आया कन्हैया आया, सब गोपाल दौड़ करके आते, इतने में एक सखा था वो नहीं आता, तो वहां पर कहते क्या तू कन्हैया से मिलने के लिए रोज आता और आज जब आया तो जा, कहता कि यदि कन्हैया आया होता तो वो रथ में नहीं होता, वो पैदल भाग करके दौड़ के थे वहां था, ये कन्हैया नहीं है हमारा, कन्हैया नहीं है। पर वास्तव में सब वे गोपाल जाते हैं, कन्हैया तो नहीं परंतु कन्हैया का जैसा वो उद्धव है। उद्धव ने उनसे पूछा गोपालों से कि हे गोपाल, नंद बाबा का भवन कौन सा है, यशोदा का भवन कहाँ कौन सा है? तो गोपालों ने कहा कि हे उद्धव जी महाराज, ये जो धारा बह रही है ना जल की, इस धारा के सारे सारे जाइए, जहाँ ये धारा का सूत्र बहे वही नंद और यशोदा का भवन है। ध्यान देना नंद और यशोदा जब से कृष्ण मथुरा गया है तब से माँ यशोदा ने उनका एक दाना तक भी मुख में नहीं रखा, जब तक वो नहीं लौटेगा हम नहीं खाएंगे, न रात को नींद आती ही ना दिन को चैन, कृष्ण विरह में यशोदा छटपटा रहे, विरह के आंसू। ध्यान देना भाई, ये विरह के जो भाव है, ये विरह के आंसू हृदय की मलिनता को धोता है,
परमात्मा की विरह के अंदर जब आंसू निकलते हैं, वो अपने हृदय की मन की मलिनता को स्वच्छ करता है। यशोदा यही सोचती कि लल्ला ने कहा था मैं आऊंगा और वो अभी तक आया नहीं, ये याद करके उनका गला भर आता है। लल्ला आएगा, मैं उनको गले लगाऊंगी, मैं अपनी गोदी में बैठाऊंगी और उनको मेरे लाड से उनके मैं दही माखन सजो करके रोज रखती, एक दिन ही रोज रखती और मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। मैया कृष्ण की हर चीज को, हर वस्तु को स्मरण करके देख देख करके जुर जुर के कांटे की तरह सूख गई। कृष्ण जिन पाले में सोता था, जिस शैया पर सोता था, जिस पात्र में भोजन करता था, अपने बाल सपों के साथ में खेलते थे, उन सभी प्रसंगों को देख कर ध्यान देना वहां नंद बाबा की और यशोदा की क्या दशा हुई। वही आंसू की धारा से वो धारा अटूट निरंतर बह रही थी, उस धारा के सारे सारे वहां पर उर्दू पहुंचे। उर्दू को आते हुए नंद बाबा और यशोदा आपस में चर्चा कर रहे थे। यशोदा ने नंद बाबा से कहा, हे बाबा, मुझे लगता है कि आपसे ही परेशान होकर के मेरे लल्ला मथुरा गया और आने का बोला था परंतु वो नहीं आया आपके कारण, क्योंकि आप उनको गाय चराने के लिए भेजते थे। मेरा लल्ला जब शाम को आता तो वो मुझे कहता था, शिकायत करता था कि हे मैया, गया चराने के लिए जब मैं गया तो वहां पर मेरी शक्का मुझे सताते हैं। अनेक प्रकार की वो गौए की गाय चराने की जो कष्ट है वो सुना था, उसी कारण शायद कृष्ण नहीं आया। तो वहां पर नंद बाबा कहते, अरे मैया, हे यशोदा, मैंने कब उनको गाय चराने के लिए भेजा? वो तो स्वयं ही कहता था कि मैं गायों का पालन करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, मैं गायों का रक्षक हूँ, मैं गायों का पालक हूँ, इस तरह से वे चर्चा करते हैं। इतने में यशोदा भी भाव से भर के कहते, अरे बाबा, देखिए ना, वो लल्ला कब से खेल रहा है अपने सपनों के साथ में, आप उनको आवाज तो दीजिए, भोजन तैयार है। वहां पर दोनों की विरह की दशा देख करके नंद बाबा कहते हैं, हे यशोदा, कहाँ है लल्ला? इधर लल्ला तो जो मथुरा गया सो गया, वापस आया तक भी नहीं। इस तरह से चर्चा करी रहे तो इतने में वहां रथ आ जाता है उर्दू का। उर्दू का रथ देखते ही वहां पर नंद बाबा गा रहे, कन्हैया आया, लल्ला आया, लल्ला आया। उर्दू जी महाराज, नंद बाबा भागते हैं, जाते रथ की तरफ, और जब रथ के अंदर कृष्ण को नहीं देते तो नंद बाबा मूर्छित होकर गिर जाते। भैया बहुत वीरह का प्रश्न। इतने में कुछ गोपी आती है, नंद बाबा को संभालती है, उठा के लेके आती है। नंद के आंगन के अंदर यशोदा, नंद बाबा, उर्दू वहां पर खूब चर्चा करते हैं। नंद बाबा और यशोदा कहते हैं कि हे उर्दू, क्या कृष्ण हमको याद करता है? कभी हमारी उनको याद आती है? अब क्या याद करे? मैया यशोदा और नंद बाबा और गोपाल आदि की स्मरण करके कन्हैया की क्या दशा है, वो तो उर्दू प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब वहां पर वो क्या समझाते? सारी आंगन में सारी रात चर्चा करते करते बीत गई। प्रातःकाल हुआ, सभी गोपियों का एक ही दिनचर्या, सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठती, यमुना में स्नान करती। काल ब्रह्म मुहूर्त से ही हर कार्य के साथ में कृष्ण की लीला, कृष्ण की कीर्ति,